इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है, जहां उन्होंने शराब बनाने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी पिछले 1 साल से नकली शराब बनाकर बेच रहे थे। इंदौर क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि कुछ लोग नकली शराब बनाकर बाजार में अवैध तरीके से बेच रहे हैं। सूचना पर क्राइम ब्रांच ने खजराना पुलिस के साथ मिलकर एक घर पर दबिश दी, तो वहाँ से पुलिस ने 5 आरोपी श्याम सिंह, एजालीम सिंह, विकास राहुल यादव, मोहम्मद को नकली देशी शराब तैयार करते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपियों की अवैध शराब की फैक्ट्री से पुलिस ने 320 लीटर स्प्राइट, 3,09,000 शराब की बोतल पर चिपकने के स्टिकर और करीब 2,00,000 हॉलमार्क जब्त किए हैं। आरोपी श्याम सिंह से पूछताछ करने पर उसने बताया कि वो इंदौर भोपाल बाईपास स्थित मेवात ढाबे के मालिक सैयद और जावेद से स्प्राइट खरीदता था और जितना स्प्राइट होता था उसमें 2 गुना आरओ का पानी मिलाकर नकली देशी शराब बनाकर देता था। शराब असली लगी इसीलिए देशी शराब के स्टिकर जो हूबहू असली देशी शराब के स्टिकर लगते हैं, वह अपने एक साथी शाहनवास निवासी न्यायपुरा से छपवाता था। इंदौर पुलिस के क्राइम ब्रांच के द्वारा शराब को असली शराब की तरह बॉटल करने बेचने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें ये लोग ढाबों में से जो ओपी के जो ट्रक्स निकलते हैं उनमें से कुछ कुछ मात्रा में ओपी वहाँ से प्रोक्योर करते हैं और फिर यहाँ लाकर उसको पानी के साथ मिलाकर बॉटल्स में उस पर स्टिकर होलोग्राम लगाकर बिल्कुल हूबहू जिस तरह से लाइसेंस शराब दिखनी चाहिए उस तरह की लुक देकर इसको बेचते आए हैं। पिछले 1 साल से ऐसे 5 व्यक्ति गिरफ्तार किए हैं जिनके पास से 320 लीटर ओपी, जिससे कि करीब 1,000 लीटर शराब बनाई जा सकती थी, उसके अलावा 6,500,000 ढक्कन, 3,90,000 स्टिकर्स जो कि सामने लगाए जाते हैं, जिसमें कि देसी प्लेन कौन सी मदिरा है, MRP, MSP, जो उनका पंजीयन है एक्साइज विभाग का उसके बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन, उसके अलावा 2,00,000 किलोग्राम ये सब सामान बरामद हुआ है और यह लोग उसमें सेल ओनली फॉर सेल इन डिस्ट्रिक्ट मंदसौर उन स्टिकर्स पे लिखा हुआ था मंदसौर में और वहाँ से आगे राजस्थान में ये सप्लाई करते हैं। तो ये लोग जो हैं इसको करीब 1 से 1.5 साल की समय अवधि से ये लोग इसको संचालित कर रहे थे और इसमें जिन लोगों ने इनका सहयोग किया है, अभी तो ये लोग जो बेच रहे थे और इनका जो पूरा नेटवर्क है कहाँ से ये ला रहे थे इस चीज़ का हमारे को पता लगाना है कि ये ओपी के ट्रक्स कौन से हैं जहाँ से ये ओपी ढाबों पे ली के द्वारा दी जाती है और इसके अलावा ये जो किलोग्राम जो ढक्कन जो स्टिकर जो बनाए गए हैं जिन लोगों के द्वारा उनको भी हम इसमें पकड़ेंगे आगे अनुसंधान में और इसमें हम धारा 420 467 68 71 इसका हम इजाफा कर रहे हैं क्योंकि इसमें फोर्ज ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं फोर्ज चीज़ें स्टिकर्स ये बनाए जाकर इनको असली बताकर इसको बेचने का प्रयास किया जा रहा है। सर आरोपी कहाँ के? आरोपी इसमें 3 इंदौर के हैं और 2 देवास के हैं और इसमें फर्दर अभी हमारे पास पूछताछ में कई लोगों के नाम आए हैं जिनको हम शीघ्र ही गिरफ्तार करेंगे। पूछताछ में कैसे ये आइडिया कहाँ से मिला था इन्हें? देखिए ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये इस तरह के पूर्व में भी मामले पुलिस के संज्ञान में आए हैं, पुलिस पकड़ती रही है, परंतु हाँ पिछले काफ़ी समय से इस तरह का मामला पकड़ा नहीं गया था और इन लोगों के बताए अनुसार भी ये 1 साल से लगभग सक्सेसफुली कर ही रहे थे इस चीज़ को। अब इन लोगों का पूर्व जो है क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है, इनको ये सारी लिंकेजेस कैसे पता चली, कैसे ये लोग इस धंधे में आए, इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इन्होंने बेचा कैसे। अगर इन्होंने से मंदसौर और राजस्थान में अगर बेचा तो किसके माध्यम से बेचा, वहाँ किसी ठेकेदार से कॉन्टैक्ट करके बेचा क्योंकि, या फिर किसी गाँव में पैकारी खोल के बेचा, तो बेचना किस तरह से इनका कोई संभव हुआ यह चीज़ भी अनुसंधान का विषय है जिसके बारे में हम आगे
इसमें कार्रवाई करेंगे और जैसे हमारे को सूचनाएं और मिलती हैं हम आपसे शेयर। सर जो सब्सटेंस ये लोग मिला के शराब बनाते थे वो क्या हार्मफुल है बॉडी के लिए जो लोग उसको पीते हैं? देखिए ये अभी देखना पड़ेगा क्योंकि ओवर प्रूफ जो होता है ओपी जो होता है उसको मिला के एक मिलाने की प्रक्रिया होती है। अब इन्होंने उसको डिस्टिल्ड वाटर ये बता रहे हैं, अब वो डिस्टिल्ड वाटर है सादा पानी है वो कंजम्पशन के लिए फिट था कि नहीं था, अगर वो नहीं था ह्यूमन कंजम्पशन के लिए तो उस हिसाब से भी इसमें धाराएं लगेंगी। पर अभी क्योंकि प्राइमरी स्टेज में है इन्वेस्टिगेशन तो मैं इसके बारे में अभी नहीं कह पाऊंगा, पर ये हाँ ये इसकी हमारे द्वारा इसकी लेबोरेटरी जांच कराई जाएगी। लॉकडाउन की अवधि में भी इनका काम चली था? बिल्कुल इनका काम एक साल से चल रहा था। हम अभी इसमें डिटेल पूछताछ करेंगे, इसमें हमारे हम टेक्निकली भी इनको एग्जामिन करेंगे कि ये लोग कहाँ कहाँ गए, इनका किस किस से बातचीत थी और उन जब जब किन वाहनों से, दो वाहन भी इसमें जब्त हुए हैं, 20 लाख से ऊपर की सामग्री जब्त हुई है, वो वाहन कहाँ कहाँ गए, बहुत सारी चीज़ें हैं, डिजिटल ट्रेल्स रहेंगे इनके और डेफिनेटली हम पूरे नेटवर्क को अनर्थ करेंगे। सर लगभग कितने की शराब बेच चुके हैं? देखिए उस स्टिकर पे लिखा हुआ है मंदसौर, ओनली फॉर सेल इन मंदसौर, तो जनरली उस डिस्ट्रिक्ट में अगर आप ओनली फॉर सेल इन मंदसौर को इंदौर में बेचोगे तो कोई ना कोई इस पे प्रश्न उठा सकता है, परंतु अगर आप उसी को ही मंदसौर में बेचने का प्रयास करोगे तो शायद लोगों को पता ना चले, या ऐसी स्टेट में बेचे जहाँ पर जिस स्टेट में पाबंदी हो, तो ऐसी चीज़ें वहाँ पर चल सकती हैं। अभी मैंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन प्राइमरी स्टेज में है, प्रिलिमिनरी स्टेज में है, तो जैसे जैसे हम तथ्यों को उजागर होंगे तथ्य हम आपके से शेयर करेंगे। आरोपी पिछले एक साल से नकली देशी शराब बनाने का काम कर रहा था और शराब को मंदसौर और राजस्थान में सप्लाई करते थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों से इनके अन्य नेटवर्क के बारे में भी पूछताछ कर रही है।